हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को आएंगे गोरखपुर, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर 27 जुलाई को इलाहाबाद के लिए करेंगे प्रस्थान। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने किया भंडाफोड़, 7 को किया गिरफ्तार। वन माफियाओं से पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, डिप्टी रेंजर को गोली मारने वाला बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसओ और 4 सिपाही भी हुए घायल। बदमाश के साथ 25,000 के इनामी शेषमणि ने देवरिया कोर्ट में किया सरेंडर। 9 प्रशिक्षण आरक्षियों के प्रशिक्षण सत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। एसएसपी ने कहा, 9 प्रशिक्षण आरक्षियों की ट्रेनिंग के बाद कानून व्यवस्था सुधारने में होगी अहम भूमिका। जिलाधिकारी ने कौड़ीराम ब्लॉक में बृहद स्वच्छता अभियान की शुरुआत, 15 सफाई किट तथा 4 फॉगिंग मशीन का किया वितरण। ऑपरेशन आत्मरक्षा के माध्यम से छात्राओं को दी गई आत्मरक्षा की गहन जानकारी। बोलबम के नारों के साथ बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने निकले कांवड़िया, डीएम ने कहा कांवड़ियों को नहीं होने दी जाएगी कोई असुविधा। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक, व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। 31 अगस्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जाएगा स्वच्छता सर्वेक्षण तथा लगाया जाएगा 12,00,000 पौधे, गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएम ने दी जानकारी। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक बनाए जाने के बाद प्रथम नगर आगमन पर संतोष जायसवाल का हुआ स्वागत, कहा युवाओं के हित के लिए करूंगा काम। पूर्वोत्तर रेलवे के अंतरमंडलीय कार्यकुशलता का राज्य भाषा ट्रॉफी वाराणसी मंडल को। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी का चुनाव, 18 को नामांकन प्रक्रिया शुरू। तुलसीदास इंटर कॉलेज में ट्रैफिक पुलिस ने लगाई क्लास, स्कूली बच्चों को पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन राजभर ने आरक्षण को 3 भागों में बांटने की मांग। और जिला फुटबॉल लीग में टाउन क्लब बासगांव ने सद्भावना क्लब को 1-0 से और गौतम स्पोर्टिंग ने यूपी पुलिस गोरखपुर जोन को 2-1 के अंतर से दी मात।